क्या आप भी बीएड करने वाले हैं या बीएड करने का सोच रहे हैं? क्या आपको भी टीचर बनना है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप बीएड करने के बाद टीचर बन सकते हैं? अगर ये सारे क्वेश्चंस आप सोच रहे हैं, अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप बीएड करने के बाद टीचर बन जाएंगे, बीएड से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप एक अच्छे गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो क्या आपका ये सोचना सही है क्या गलत? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नम्रता जायसवाल एंड यू आर वॉचिंग नम्रता टीच। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम यूँ कहें बीएड करने से आपको क्या फ़ायदे हैं, बीएड करने से आपको फ़ायदा है या नहीं, इस क्वेरी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशन के लिए अगर आपको बने रहना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और विदाउट स्किप किए मेरी सारी बातों को सुनिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आप अगर बीएड करने वाले हैं 2022 में अगर आप बीएड करने वाले हैं तो आपका डिसीजन सही होने वाला है या गलत होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएड करने से आप टीचर बन सकते हैं या नहीं। सही बात है, अगर आपको टीचर बनना है, हाई लेवल की टीचर बनना है, सेकेंडरी के बनना है, तो आपको बीएड करना पड़ेगा, ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़ायदा तो है ही आपको, लेकिन क्या इससे नुकसान भी है? इससे नुकसान कोई नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हाँ, ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है कि आप बीएड करने के बाद तुरंत टीचर बन जाओगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि अगर आपने बीएड कर लिया तो आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएड करने के बाद भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालने पड़ते हैं ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। सपोज़ करो कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, जैसा कि आप सब बनना चाहते ही हो, तो उसके लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और उसकी सबसे पहली सीढ़ी है बीएड। उसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या है? बीएड। दैट मीन्स अगर आप बीएड की पहली सीढ़ी पार कर लेते हो तो सीधे आप टीचर की सीढ़ी पर नहीं पहुंच जाते, उसके बीच में भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं जिसे आपको क्या करना है, पार करना है। जी हाँ, अगर आपने बीएड कर लिया, अगर आपका बीएड हो चुका है, तो आप टीचर कैसे बनोगे? उसके लिए आपको टेट एग्ज़ाम्स निकालना पड़ेगा, जैसे सी टेट होता है, एस टेट होता है, ये सारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सी टेट सेंट्रल लेवल पे होता है, और एस टेट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी टेट देंगे, आप राजस्थान से हैं आप राजस्थान टेट देंगे, आप हरियाणा से आप हरियाणा टेट देंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। जी हाँ, आपने अगर बीएड कर लिया तो उसके बाद आपको टेट एग्ज़ाम्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल एक और ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं कि अगर आपने बीएड कर लिया तो आप तुरंत टीचर बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको उसके बाद क्या करना है, टेट एग्ज़ाम्स निकालना है। आप अगर टेट एग्ज़ाम्स निकालोगे तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब एक सीढ़ी जो आपने बीएड का चढ़ा उसके आगे की सीढ़ी भी आप चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद भी आप टीचर बनोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आप टीचर नहीं बनोगे। उसके बाद क्या होगा, आपके एरिया में वैकेंसीज निकलेंगी, उस वैकेंसी को आप फिल करोगे, फिर उसमें भी टेस्ट होगा, और मेरिट लिस्ट पे आप सेलेक्ट अगर हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। और अगर नहीं ऐसा होता है तो आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट मुझे ये लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मुझे फील होता है, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लगने के कारण बहुत सारे लोग जो बीएड कर चुके होते हैं वो टेट भी निकाल चुके होते हैं, सी टेट निकाल ले होते हैं, एस टेट निकाल लेते हैं, फिर भी अगर स्टेट की वैकेंसी आती है और उसमें उनका नहीं होता तो बहुत टाइम लग जाता है, वो बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं, जिसके वजह से उन्हें अपना पैशन छोड़ना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बेकार में मैंने बीएड कर लिया और अब तो मैं टीचर नहीं बन पाऊँगी, उनको अपना स्ट्रीम चेंज करने का मन करता है। लेकिन इस लेवल पे आकर इतनी सारी एडुकेशन रखने के बावजूद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है
और आप कुछ दूसरा चीज़ करना चाहते हो फिर भी नहीं कर सकते, तो कितनी बुरी बात है ना, बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्स्टेंटली वर्क हार्ड करते रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जॉब तुरंत लग जाए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम बहुत लंबा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा वर्क हार्ड करते हो। तो आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो में समझ में आ गया हो कि सिर्फ बीएड करने से आप टीचर नहीं बन सकते, और बीएड करने के फ़ायदे क्या हैं। यही फ़ायदा है कि बीएड करने के लिए आप टीचर बनने के एलिजिबल की फर्स्ट सीढ़ी चढ़ लेते हैं, तुरंत नहीं बन सकते, आप पहली सीढ़ी को क्रॉस करते हो। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो में ये समझ में आ गया हो कि आप बीएड करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़ायदे नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं टीचर बनना, तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत डेस्परेट भी होना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड करना पड़ेगा, रिजल्ट के बारे में आपको सोचना नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये अपडेट अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में मुझसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग एनी डाउट। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो दैट I am having this type of problem. I will always be there to solve your problems. Thank you. Have a good day and stay tuned with me. That is Namita Jashwal, and wait for the next video. Thank you.